नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंचल के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मेरी कार की जो टेल लाइट्स हैं वो ऑन हैं, और जब भी दोस्तों हम हेडलाइट या पार्किंग लाइट ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाती हैं। साथ ही दोस्तों जो लाइसेंस प्लेट होती है, जिसे हम नंबर प्लेट भी कहते हैं, तो इसके नीचे भी दोस्तों दो जगह पर बल्ब लगे होते हैं, लाइट लगी होती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो लाइट है ऑन हो रही है, बट ये वाली जो है ये ऑन नहीं हो रही है। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, उसमें हम इसका जो बल्ब है इसको रिप्लेस करके दिखाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं बल्ब इसलिए रिप्लेस कर रहा हूं, अगर फ्यूज़ वगैरह का इशू होता तो जो लाइट होती है वो ऑन नहीं होती कोई भी, और एक लाइट ये जो जल रही है वो भी नहीं जलती। इसलिए मैं श्योर हूँ कि जो बल्ब है इसके अंदर वो ख़राब होगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि इसको किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। तो पहले मैं दोस्तों कैमरा सेट करता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने कैमरा सेट कर दिया है, और अब दोस्तों हम ये जो आप ऊपर का कैप देख रहे हैं इसको खोलने वाले हैं, और इसको खोलना काफ़ी आसान है। इसको आपको इस तरह से पकड़ना है और एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना है, तो इसमें लॉक होते हैं दोस्तों, लॉक जो है वो निकल जाएगा और ये जो कैप है पूरा बाहर आ जाएगा। देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको इस तरह से घुमाऊंगा तो एक हल्की सी आवाज़ आएगी, उसके बाद जो है इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो कैप है काफ़ी गंदा नज़र आ रहा है मुझे, इसमें डस्ट वगैरह है, तो इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे पहले। तो उसके बाद ये जो आप बल्ब देख रहे हैं इसको हमें निकालना होगा। तो इसमें दोस्तों जो होल्डर दिया गया है वो एक सिंपल होल्डर होता है, आप इसको अंदर दबा के फिट कर सकते हैं और बाहर खींच के आप निकाल सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली आपको बाहर खींच लेना है तो बल्ब आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहा हूँ दोस्तों, ये जो बल्ब है फ्यूज हो चुका है, और मुझे पता था ये बल्ब फ्यूज हो गया होगा, तो इसलिए मैं दूसरा बल्ब पहले ही लेके आया था। देखिए ये बल्ब बिल्कुल ठीक है। तो अब दोस्तों हम इस बल्ब को इसमें लगाने वाले हैं, और इसको लगाना काफ़ी आसान है। आपको ये जो दिख रहा है इस तरह का, इसको खड़ा रखना है, इसको आपको खड़ा करके इस तरह से लगाना है, ठीक है, इस तरह से नहीं लगाना। और मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, आप जैसे ही इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ये फिट हो जाएगा, ईजिली फिट हो जाता है। उसके बाद इसका जो कैप है इसको हम क्लीन कर लेते हैं अच्छे साफ कपड़े से, ताकि इसके अंदर की जो डस्ट वगैरह होती है वो हट जाए। तो अभी दोस्तों मैंने इसको क्लीन कर लिया है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें एक होल होता है, तो ये जो होल आप अंदर की तरफ से देख रहे हैं ये नीचे की तरफ रहता है, जब ये फिट हो जाता है तो नीचे की तरफ होल रहता है, और ये जो धारियां देख रहे हैं आप उसके नीचे जस्ट रहता है। अगर आप इसको उल्टा इस तरह फिट करना चाहेंगे तो नहीं फिट होगा। एक्चुअल में ये जो होल होता है दोस्तों, इसके अंदर जब पानी वगैरह चला जाता है तो इसी होल से बाहर आ जाता है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर लॉक दिए गए हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर अपोजिट साइड लॉक दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमको फंसाना है और इसको वापस से क्लॉक वाइज घुमा देना है। तो अभी मैं इसको फिट करने वाला हूँ, देखिएगा। तो ये जो लॉक मैंने आपको दिखाया अभी, इस पर मैंने इस तरह से इसको रख दिया और इस तरह से इसको फिट कर दिया है। तो इसको भी दोस्तों आप चाहे निकाल कर क्लीन कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी डस्ट वगैरह आ जाती है। और अब दोस्तों मैं आपको जो लाइट है वो ऑन करके दिखाने वाला हूँ, हम देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि दोनों लाइट जो हैं वो अब ऑन हो चुकी हैं, और जो हमारी कार की लाइसेंस प्लेट है उस पर प्रॉपर रोशनी आ रही है, देखिए। तो अभी बिल्कुल प्रॉपरली ये ऑन हो चुकी है। उम्मीद दोस्तों आपको इस वीडियो में थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।